नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा ये नाइटमेयर साबित हो रहा है। दरअसल पहले टेस्ट मैच में जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरे टेस्ट मैच और बाकी बची टेस्ट सीरीज से मोहम्मद शमी का बाहर होना भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे गया है। देखिए, अगर आपके बल्लेबाज बोर्ड पर रन्स लगा देते हैं तो आपके गेंदबाज भी आपको मैच में वापसी कराते हैं। जैसा हमने पहले टेस्ट मैच में देखा कि 244 रन भले ऐसा लगा कि कम बने हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भारत को वापसी जो है वो कराई। ऐसे में अच्छी गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती थी, लेकिन मोहम्मद शमी का ना होना ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत भरी खबर है और भारत के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि जिस तरीके से पटकी हुई गेंद के साथ जब वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, चैलेंज करते हैं, सीम पकड़ के गेंदबाजी करते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थोड़ा सा कांपते हैं यहां पर मोहम्मद शमी के सामने। तो अब उनके गैर मौजूदगी में भारत के पास ऑप्शंस क्या है? भारत के पास ऑप्शंस है मोहम्मद सिराज या नवदीप सैनी। अब इन दो खिलाड़ियों में से किसे मौका मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर यॉर्कर गेंदों के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कंपैरेटिवली एडिलेड से मेलबर्न की विकेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होंगी और दूसरे या तीसरे दिन यहां पर अच्छी बल्लेबाजी विकेट हो जाती है। हालांकि बरसात बताई जा रही है, जिससे अगर भारत की गेंदबाजी रहती है तो फिर वहां पर फायदा जो है भारतीय गेंदबाजों को मिल सकता है। और जिस तरीके से ये खबरें हैं कि पिच पर मॉइस्चर आ जाता है क्योंकि ड्रॉप इन विकेट यूज होता है, ड्रॉप इन सरफेस यूज होता है, तो उस लिहाज से मोहम्मद शमी शायद थोड़ा सा और ज्यादा डेंजरस हो सकते थे। लेकिन अब सिराज या नवदीप सैनी में से ऑप्शन होना चाहिए। हो सकता है कि एक इन दोनों में से खेलता हुआ नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद टी नटराजन को भी आपको टेस्ट क्रिकेट में आजमा लेना चाहिए था, क्योंकि एक तो आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर हो जाता है, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी लेफ्ट आर्म पेसर के सामने जो है वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हालांकि क्यों नहीं उन्हें सिलेक्ट किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और मोहम्मद शमी की रिप्लेसमेंट के थ्रू भी आप उन्हें टीम में ला सकते थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शमी का ना होना शायद भारतीय टीम को भारी पड़ जाए, क्योंकि अगर भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरे टेस्ट मैच में रन्स बोर्ड पर नहीं लगाए तो अभी आप देख लीजिए कि लबुशेन नहीं चले हैं, स्टीव स्मिथ नहीं चले हैं, इनकी एक पारी ड्यू है। और स्टीव स्मिथ का बल्ला जब गरजता है तो फिर बाकी सामने वाली टीम सिर्फ देखती रह जाती है। तो उस लिहाज से यहां पर भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। रविंद्र जडेजा का भी खेलना लगभग तय माना जा रहा है, उस हिसाब से 5 भारत के पास गेंदबाजी ऑप्शन हो जाएंगे। तो अब देखना है कि किस तरीके से भारतीय टीम यहां पर प्रदर्शन करती है। और इसके बाद मोहम्मद शमी का ना होना क्या मोहम्मद सिराज या फिर नवदीप सैनी उनकी कमी पूरी कर सकते हैं, ये भी देखने वाले। टैलेंट है, एबिलिटी है, लेकिन उसको प्रदर्शन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।